हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एम एन एस प्रिपरेशन ट्वेंटी सो टुडे इस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम 2021 सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट जो है अभी हमारे करेंट वो है रामनाथ कोविंद जी एंड वो हमारे फोर्टीन प्रेसिडेंट है ठीक है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो सबको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट right? एंड अभी जो है रामनाथ कोविंद ये हमारे फोर्टीन प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट प्रेसिडेंट वो सारे फिफ्टी टू से लेकर सिक्सटी टू आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं फिफ्टी टू से लेकर सिक्सटी टू इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स भी कुछ याद हो जाएंगे आपको ऐसे एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनो, Parliament and Legislative Assembly, दोनों यानी कि पार्लियामेंट एंड लेजिलेटिव असेंबली दोनों ही मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं फॉर फाइव ईयर्स ठीक है वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे करेंट है वो हैं वेंकैया नायडू एंड इनका आर्टिकल है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री आर्टिकल के अंतर्गत इनके बारे में सारा डेटा है अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ओके तो अगेन रिपीट कर लेते हैं प्रेसिडेंट का है फिफ्टी टू से लेकर सिक्सटी टू प्रेसिडेंट क्योंकि बड़ा होता है तो उसका पहले आएगा फिफ्टी टू से लेकर सिक्सटी टू एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका सिक्सटी टू के बाद आता है सिक्सटी थ्री ठीक है तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे एंड वाइस प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट एंड जो चेयरपर्सन हो सॉरी पार्लियामेंट जो होता है उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भी ठीक है ये भी दोनों के द्वारा जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरपर्सन भी होता है राज्यसभा का ठीक है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट थर्ड है हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ये तो सबको पता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है अभी हमारे एंड इन्हें अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे शरद अरविंद बोबड़े ठीक है शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस कौन है शरद अरविंद बोबड़े एंड ये भी प्रेसिडेंट ही यू नो इलेक्ट करते हैं या वी कैन से अपॉइंट करते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का दैट इज़ हरी लाल जे कि सिंदूस कानिया हरी लाल जे कानिया ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं जैसे जस्टिस जैसे जे, जे कि तो आपको उस तरीके से याद हो जाएगा ना फिफ्थ इज़ लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर जो है वो अभी है ओम बिरला मैक्सिमम जो लोकसभा में मेंबर्स होने चाहिए वो होते हैं फाइव फिफ्टी टू ठीक है मैक्सिमम एंड लोकसभा अंडर आर्टिकल एटी वन आता है एंड इन्हें अपॉइंटेड किया जाता है बाय लोकसभा के ही मेंबर्स के द्वारा ठीक है लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है एंड फर्स्ट स्पीकर बहुत बार पूछा गया है एमएनएस में दैट इज़ जीवी मावालंकर ठीक है लोकसभा स्पीकर पहले जो थे वो हैं जीवी मावलंकर मावालंकर राज्यसभा चेयरमैन तो ये मैंने बताया आपको राज्यसभा चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है तो अभी वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट है तो वही चेयरमैन भी है राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबरशिप या मैक्सिमम सीट्स वी कैन से इन राज्यसभा दैट इज़ टू फिफ्टी एंड ये आर्टिकल एट्टी में आता है अगेन रिपीट कर लेते हैं लोकसभा आर्टिकल एट्टी वन ओके एंड अभी ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर एंड पहले थे जी वी राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है एंड ये आर्टिकल एट्टी के तहत आता है मैक्सिमम मेंबर्स टू फिफ्टी होते हैं राज्यसभा में कम होते हैं एंड लोकसभा में फ़ाइव फिफ्टी टू ज़्यादा होते हैं ओके नेक्स्ट हमने सारे यहाँ पे अबाउट मिनिस्टर्स कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो कि ऊपर ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस ये सब नाव हम लोग इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि हैं जैसे कि हमारे लिए एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हम स्टूडेंट्स हैं तो अभी जो हैं रमेश पोखरियाल हैं एंड फर्स्ट जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है मौलाना अब्दुल नहीं होगा गाइज अबुल होगा मौलाना अबुल, अबुल कलाम आज़ाद ठीक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेक्स्ट होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं एंड इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह हैं एंड पहले जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है कहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ़ यूनिटी है स्टैचू ऑफ यूनिटी है इनकी गुजरात में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अभी जिन्होंने हमारा बजट पेश किया था दैट इज़ निर्मला सीतारमन एंड ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं एंड पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दैट इज़ श्री शनमुखम शेट्टी श्री शनमुखम शेट्टी ओके देन हम आगे चलते हैं टेंथ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ सकता है क्योंकि अभी किस किसान आंदोलन वगैरह चल रहा था तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर इलेवेंथ रेल मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल जिन्होंने कहा है कि वो इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज बनाएंगे कब तक ट्वेंटी थर्टी तक एंड आर एफ डी आर एफ आई डी दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी वो वैगन्स को पकड़ने के लिए लगाएंगे बट कौन से ईयर तक ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक तो ये दोनों टर्म याद रखेंगे एंड uh, पहला इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल जो है अभी कहाँ बना है लार्जेस्ट दैट इज़ हरियाणा में बना है ये अबाउट वन पॉइंट समथिंग किलोमीटर का है हरियाणा में एंड पहला सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट uh, हुआ है दैट इज़ इन केरला केरला से रिलेटेड और भी कि केरला जो है इसने टॉप गवर्न स्टेट केरला को कहा गया है सबसे ज़्यादा एन आर आईज कहाँ से आते हैं केरला से आते हैं आप ऐसे रिलेट कर करके याद करोगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा एन आर आईज कहाँ से आते हैं केरला से मेरे को फिर याद आ रहा है अभी एक और क्वेश्चन वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे ये भी क्योंकि मैंने अभी करंट पढ़ा है आपको क्या पता कुछ और याद आ रहा हो तो आप उसे रिवाइज़ कर लो वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं फोर्थ फेबररी को करते हैं फोर्थ फेबररी को करते हैं है ना एंड या दैट्स इट सो नेक्स्ट फादर ऑफ़ इंडियन रेलवे किन्हें कहा जाता है दैट इज़ डल को फादर ऑफ़ इंडियन रेलवेज कहा जाता है इन्होंने सिक्सटीन अप्रैल एटीन फिफ्टी थ्री में फ़र्स्ट टाइम मुंबई टू थाने इंडिया में ट्रेन चलाई थी जो कि थर्टी सिक्स किलोमीटर्स तक चली थी ट्रेन ओके okay? तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में आपको टर्म दे रखा है इसे पूरा रीड कर लेंगे अच्छे से मुंबई टू थाने थर्टी सिक्स किलोमीटर्स ऑन सिक्सटीन अप्रैल एटीन फिफ्टी थ्री राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर है एंड फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि थी सुषमा स्वराज बट शी इज़ नो मोर सैडली तो सुषमा स्वराज फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थर्टीन है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर सो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी कैसे याद रखेंगे गडकरी में लग रहा है गाड़ी राइट right? गडकरी गाड़ी तो उस तरीके से एंड ट्रांसपोर्ट किसके बारे में होता है व्हीकल्स के बारे में होता है गाड़ी के बारे में तो नितिन की गाड़ी नितिन गडकरी इस तरीके से आप याद कर लेंगे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दैट इज स्मृति रानी ये पहले हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी स्टार्टिंग में बट विद इन मंथ आई थिंक इन्हें हटा दिया गया था उसके बाद जो हमारे आ, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए वो रमेश पोखरियाल हो गए एंड ये बन गई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ओके नौ मिनिस्टर सारे हो गए हैं अब गवर्नर यहाँ पे हम देख लेते हैं आरबीआई का गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी जो है शशिकांत दास हैं ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें कमेंट करने बोला था बट किसी ने कमेंट नहीं किया तो गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है अभी करंट दैट इज शशिकांत दास इससे पहले थे उर्जित पटेल ठीक है उर्जित पटेल एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी उर्जित पटेल ने जो मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है लास्ट मैंने बताया था आपको तो दैट बुक नेम इज ओवर ड्राफ्ट बुक का नाम है ओवर ड्राफ्ट फिर ऐसे है द इन द सेव द सेविंग ऑफ द सेवर ऐसे कुछ है द सेविंग ऑफ द सेवर एड सेवर ऑफ सेविंग ऐसे कुछ करके है तो मेनली बुक का नाम ओवर ड्राफ्ट है वो उर्जित पटेल ने लिखी है एंड या गवर्नर ऑफ आर बी आई जो है वो अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है उन्हें एंड एक और क्वेश्चन ये पहले एम एन एस में आ रखा है बैंकर्स ऑफ बैंक किसे कहते हैं बैंकर्स और बैंक्स तो आर को कहते हैं कि आर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो तो बैंक है और वो बाकी जितने भी छोटे छोटे बैंक है एस बी आई एच डी एफ सी उन सबको आर कंट्रोल करती है क्योंकि यही तो रियल में आ, नोट्स बनाती है ना कॉइन्स बना सॉरी मनी डेवलप करती है राइट सिक्सटींथ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के अच्छा इंपॉर्टेंट कि ऐसा लग रहा है इस बार इससे एक नया क्वेश्चन आ ही जाएगा नीति का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर देंगे ओके इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने इस बार कमेंट कर देना नीति का फुल फॉर्म एंड नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम ही हैं सीईओ जो है वो है अमिताभ कंत एंड ये फर्स्ट जनवरी टू टीन में फॉर्म हुआ था नीति आयोग एंड पी के जगह पे नीति आयोग को लॉन्च किया गया था पी सी इज़ प्लानिंग कमीशन कम्स एट अ प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग आया था नाउ लेट स्टार्ट विद ऑल द इम्पोर्टेंट चीफ तो पहला डिफेंस मिनिस्टर देख लेते दैट इज़ राजनाथ सिंह ठीक है डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं राजनाथ सिंह इम्पोर्टेंट ना चीफ ऑफ आर्मी एयरफोर्स नेवी ये जो पूरा स्लाइड है ना ये पाँचों के पाँचों ये तो आपको रट्टा होना चाहिए क्योंकि आप भी कोई डिफेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो राइट right? एम डिफेंस का एग्ज़ाम है सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चीफ ऑफ आर्मी जो है दैट इज़ मनोज मुकुंद ना नारवानी मनोज मुकुंद नारवानी चीफ ऑफ एयरफोर्स दैट इज़ राकेश कुमार सिंह भदौरिया चीफ ऑफ नेवी एडमिरल करमबीर सिंह एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इन तीनों का चीफ है दैट इज़ आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी दैट इज़ जनरल बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चीफ ऑफ आर्मी मनोज मुकुंद नारवाने नारवाने चीफ ऑफ एयर फोर्स राकेश कुमार सिंह भदौरिया चीफ ऑफ नेवी एडमायरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ठीक है नाउ लास्ट के दो बच्चे हैं चेयरमैन ऑफ़ इसरो इसरो दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनके तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे के सेवन बिकॉज ऑफ़ चंद्रयान टू ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे तो चंद्रयान टू के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ, आ सकते जैसे कि वो कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान टू वो लॉन्च हुआ था ट्वेंटी सेकेंड जुलाई को ट्वेंटी सेकेंड जुलाई ऑन ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है वन सेकेंड गाइज़ आई राइट इट है वन सेकेंड या तो चंद्रयान टू ट्वेंटी सेकेंड जुलाई को लॉन्च हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है एंड चंद्रयान टू जो लॉन्च हुआ था वो कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर ये सेंटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हेड क्वार्टर ऑफ इसरो भी पूछ लिया जाता है दैट इज़ बैंगलोर या यू कैन से बैंगलोर है ना तो ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कि पहले जो हमारे यू नो चेयरमैन थे इसरो के वो कौन थे तो पहले जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे उनका नाम था विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई ठीक है तो ये भी इम्पोर्टेंट है पहले थे क्योंकि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो विक्रम सारा भाई देन तो चेयरमैन ऑफ़ डी आर डी ओ डी आर डी ओ को परफॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके जो चेयरमैन हैं दैट इज़ जी सतीश रेड्डी इनका इसका हेड क्वार्टर है डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में फ़ाउंडर ऑफ़ डीआरडीओ एपीजे अब्दुल कलाम है एंड फर्स्ट चेयरपर्सन अविनाश चैंडर है तो फाउंडर ऑफ़ डीआरडीओ पूछेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम और फर्स्ट चेयरपर्सन पूछेंगे दैट इज़ अविनाश चैंडर तो ये जो थे ट्वेंटी थ्री मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिनिस्टर्स इसमें करवाए हैं एंड प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स करवाए हैं डिफेंस मिनिस्टर्स एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन के भी मिनिस्टर्स करवाए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ़ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो वंस अगेन थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग बाय बाय